आपका आज की स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का सीन जिसका टाइटल है बाहुबली 2 हेड कट सीन इन हिंदी। और बाहुबली जब से देखी है तब से अभी तक दोबारा उसको नहीं देखा, तो आज हम आपके साथ बैठ कर देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महाराज के आने का समय हुआ है, चाहे कोई भी हो बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए, कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं, सबको आगे आना होगा। इसके बाद तुम इसे बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम। छी, देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं, धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला।
बाहुबली की तो मैंने दोनों इसके सीक्वल देखे हुए हैं, काफी ज्यादा सीन मेरे जेहन से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ सीन जो हैं इसके भी मेरे जेहन में हैं। लेकिन नो डाउट हम जब भी कोई मूवी देखते हैं ना, खासतौर पर जो शाही खानदानों से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें एक ही चीज नजर हमेशा आती है कि जब भी एक रियासत टूटती है तो उसके पीछे अपने ही लोग होते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज का जो हम लोगों ने क्लिप देखा है इसमें मैं कहूंगी कि एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ ये वीडियो हम लोगों ने देखी है। मुझे मैंने हमेशा जैसे हम लोग वीडियोस के पार्ट टू देखते ना, इसी तरीके से मैंने बाहुबली का भी सेकंड पार्ट पहले देखा था जिसमें तमन्ना है और उसमें आई थिंक तमन्ना भी है और कटप्पा है। अच्छा ठीक है, नहीं कटप्पा तो पहले से ही है ना, कटप्पा पहले वाले में, लेकिन कटप्पा बूढ़े हो जाते हैं ना इसमें, यंग है अभी जो मैंने देखे। और जो पहले वाला पार्ट है वो मैंने बाद में देखा था, लेकिन ये कि मैं कहूंगी कि वाकई में आपको जब भी देखो ये मूवी इतना मजा आता है। ये वाला सीन मैं टोटली भूल चुकी हुई थी मौजम। नहीं मुझे याद था थोड़ा बहुत, जब कि अंदर रहते बाहुबली उनका गला काटते हैं ना, इसके बाद का भी मैं थोड़ा बहुत सीन याद है जो राजमाता है वो उन्हें जो है निकाल देती है रियासत, यानी मुल्क बदर कह दें वो कर देती है। मेरा ख्याल है सीन याद है जहाँ पर जब उन्होंने अनुष्का की जो उनकी मतलब या राजधानी कहेंगे, मतलब जो उनकी स्टेट होती है, हाँ, क्योंकि वो भी आई थिंक प्रिंसेस होती है ना, हाँ जी, तो वहां पर जब जाते हैं और जैसे मतलब जंग होती है वहां पर, होता अच्छा। है ये वो वाला सीन मुझे याद है, बाकी और मुझे कुछ याद नहीं। बट ये कि वाकई में जो एक मैसेज दिया है और जो जितनी बहादुरी से दिखाया हुआ कि एक औरत को होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीजें एक औरत में वाकई में होनी चाहिए। वैसे अगर इस मूवी की बात करें ना, क्योंकि ये साउथ की मूवी था, साउथ की मूवी की हमेशा एक खूबसूरती होती है कि वो जितने भी कैरेक्टर्स उसमें डालते हैं ना, जो मेन लीड पर नजर थे वो सारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसमें अगर हम बात करें अनुष्का जी की बात करें, फिर उसके बाद प्रभास की बात करें, ये दोनों तो वाकई बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है। लेकिन उसके अलावा मैं एक और कैरेक्टर को डिस्कस करना चाहूंगा, राम्या कृष्णा जी जो राजमाता बनी हुई है, इनकी मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इनकी जो एक्टिंग स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि बाहुबली में जितने भी कैरेक्टर है ना सबने अपनी अपनी जगह पर बहुत खूबसूरती से निभाया, यानी एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे नहीं इसका थोड़ा रोल थोड़ा वीक है। इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब भी आप देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन करता है कि बैठ कर पूरी मूवी देखो। इवन कि अगर मैं अनुष्का की बात करूंगी कि जब मतलब मैंने उनको, क्योंकि मैंने तो माँ के रोल में पहले उनको देखा था और सीरियसली लिटरली मैं रोना शुरू हो गई थी उनकी एक्टिंग देखकर, जिस तरीके से उनको सजा मिलती है और बेड़ियों में वो जकड़ी होती है। बट ये एक प्रभास सर का जो एक मैं कहूंगी कि वो कहते हैं ना मौसम के जैसी एंट्री होती है और नजर आता है कि जो बाकी के लोग थे वो किस तरीके से एक होता है ना कि एक लीडर की उसकी डोमिनेशन, उसकी पर्सनालिटी का असर होता है, तो वो चीज नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इस मूवी में एक और बात भी है कि इस मूवी को जब आप देखते हैं ना, इसमें आपको जो है वफादारी, इसमें आपको अपनों की दगाबाजी, षड्यंत्र जो रचेगी, सब कुछ आपको देखने को मिलता है कि भाई स्टोरी की एक जो लाइन चल रही है बहुत स्ट्रांग तरीके से उन्होंने लिखी हुई है। बिल्कुल है ना, इसी तरह ही। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राम्या कृष्णा जी की, फिर से मैं बात करने लगा, रिसेंटली मैंने इनकी जो है एक वेब सीरीज भी देखी है द क्वीन, जो के जो साउथ की जो चीफ मिनिस्टर थी जया ललिता, उन पर बनी हुई थी। और उसमें भी अगर इनकी एक्टिंग की बात करें, हालांकि ये सिर्फ एक वो क्या बैठ के ब्रीफिंग दे रही थी, इंटरव्यू दे रही होती है अपने बचपन के बारे में, लेकिन एक्सप्रेशन, डायलॉग्स और डायलॉग्स के डिलीवरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की हुई है डायलॉग्स में। और जहां पर मौजे ने बताया कि क्या क्या स्टोरी लाइन में चीजें हैं, वहां पर मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि हमेशा हमें ये दिखता है कि मूवीज में चाहे रियल लाइफ में कि जो जो लोग सही रास्ते पर होते हैं उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत आती हैं, लेकिन ये कि बाय द एंड ऑफ द डे जीत उन्हीं लोगों की होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शैतान की रस्सी दराज जरूर होती है जो बुरा आदमी होता है, लेकिन ये कि एक दिन ऐसा आता है कि उसकी रस्सी खींच जाती है। अच्छा जो इसमें बात करें, जैसे कि मौजम ने बोला राम्या जी नाम है,
और अच्छा उन मुझे ऐसा लगता है कि वो मूवी में ना जो स्टोरी है ना मुझे मुझे थोड़ी सी मतलब अग्रेसिव तो होती है बट इसके साथ साथ उम्र थोड़ी वो लगती है कि जिस तरीके से वो जो राणा दुग्गल को भल्लाल देव सपोर्ट करती है ज्यादा है ना नहीं वो स्टार्टिंग में जो है ना सपोर्ट कर रही होती है बाहुबली को बाहुबली को लेकिन बाद में षड्यंत्र ऐसा रचा जाता है कि वो जो है उनके खिलाफ होके भल्लाल देव के पास चली जाती है और षड्यंत्र कौन रचता है भल्लाल देव और उनके जो पिताश्री जो जो नसार साहब ने उनका जो है रोल अदा किया हुआ है बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने जो हाथ का अपना किया है ना बहुत अच्छा है तो आज इस क्लिप को देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है और मौजूद ने भी कुछ स्टोरी बताई है मुझे हमेशा से स्टोरी भूल जाती है और मुझे नाम भी भूल जाते हैं बट ये है कि मैं रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या देखा था क्या क्या हुआ बट एनीवे गाइस बहुत मजा आया दोबारा से इस क्लिप को देखकर और अगर आप चाहते हैं हम और भी क्लिप देखें इस मूवी के तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा उसके लिंक्स और इसी के साथ हमें जॉब मल्टीप्लाई चैनल पर सब्सक्राइब करें। गुड बाय।